हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर के 11th क्लास की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिससे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पोर्शन इंपॉर्टेंटली आते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर 7, फर्स्ट बुक का इक्विलिब्रियम। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं इक्विलिब्रियम। सबको पता है भाई ये चैप्टर 7 का है। क्लियर? सबको पता होता है ये चैप्टर 7 है, तो उसे लिखेंगे नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करें। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आते हैं केसी एंड केपी के ऊपर। न्यूमेरिकल ऑफ केसी एंड केपी, इन दोनों के ऊपर अलग अलग। केसी वाला अलग आएगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वाला लगता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, एंड केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। क्लियर? ओके, फिर आते हैं आपका रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिक। पहले ड्राइव करने को आएगा रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। सबको पता है इस पर डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट होती है। जहां भी आप पढ़ते हैं टीचर ने बताया होगा कि भाई रिलेशन केसी केपी का आता है, उसमें न्यूमेरिकल भी आता है, एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिएक्शन क्वेश्चन का। किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको चेक करना है तो रिएक्शन क्वेश्चन बताता है। अगर रिएक्शन क्वेश्चन बेसिकली क्यू से डिनोट होता है, क्यू अगर बड़ा होता है के से तो रिएक्शन बैकवर्ड मूव करती है, और के सी बड़ा होता है क्यू सी से तो फॉरवर्ड मूव करती है। दोनों बराबर होते हैं तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होती है। तो न्यूमेरिकल्स ऑन रिएक्शन क्वेश्चन, फोर्थ लीच एट लेयर प्रिंसिपल। बेटा जी लीच एट लेयर प्रिंसिपल। फिफ्थ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इन ए रिएक्शन। इस पे जनरली क्वेश्चन उठता है, ये वाला क्लियर? ये वाला पोर्शन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का था। ये बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम का पोर्शन है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब आते हैं हम आयोनिक इक्विलिब्रियम पे। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आयोनिक इक्विलिब्रियम पे। सबसे पहला आयनिक इक्विलिब्रियम में आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, अरिनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्सन लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट और फिर लुईस। इन सब में जो मेन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ब्रॉन्सटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। थ्योरी बोल लो कॉन्सेप्ट बोल लो, और इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। ये जनरली पूछते हैं बेटा जी। क्लियर? सेकंड आता है आपका इसमें कैलकुलेशन ऑफ पीएच पे न्यूमेरिकल। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लीजिए न्यूमेरिकल्स ऑन पीएच, पीओएच, केए, केबी, पीके एंड पीकेबी। इस पे न्यूमेरिकल पूछता है बेटा जी, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसके बाद आपके लिख लीजिए बेटा इसको जल्दी, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिसपे टॉप जिस टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं इक्विलिब्रियम। क्लियर? थर्ड आयनिक का थर्ड
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल्स ऑन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी वाला, केएसपी कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस पे आते हैं भाई न्यूमेरिकल्स पक्का, हिट लिस्टेड है, हिट लिस्टेड क्यों। फिर आता है आपका फोर्थ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बफर सॉल्यूशन, इसकी इसकी मैंने वीडियो बना दी है, आप लोग देख लीजिएगा क्लियर। बहुत इजी तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल्स कराएं, इसका थ्योरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली करा रखा है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर है लास्ट, इसका लास्ट खत्म करते हैं बस, नाम है इसका कॉमन आयन इफेक्ट, जिसके अंदर लीचेट लेयर फिर यूज होता है, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, लीचेट लेयर यूज होगा, लीचेट लेयर, लीचेट लेयर। ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्लियर। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सॉल्व करके उसकी पूरी वीडियो बना के आपके लिए सेंड करूंगा, क्लियर। ओके, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्लियर, मैं बिल्कुल उसका प्रॉपर समाधान आपको करके सेंड कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।